हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केस कि जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है और वो गुडविल नहीं लाया। हमने क्या बताया था कि जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबसे पहले तो वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, उसके बाद वो गुडविल लाएगा। अब वो नया पार्टनर कैपिटल तो ले आया, गुडविल नहीं लाया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस में मेरी जो गुडविल की वैल्यू है वो है सपोज करो 1 लाख। मेरे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब मुझे सी को एडमिट कर रहा हूँ, सी का शेयर सपोज करो 1/4 है। तो मैंने आपको बताया था कि सी का शेयर ऑफ गुडविल उसको लाना पड़ेगा। भाई वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा और गुडविल का पैसा भी लाएगा। तो 1 लाख में टोटल जो गुडविल होगी, टोटल जो गुडविल होती है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, सर एक मिनट, टोटल गुडविल है 1 लाख रुपए और सी का शेयर है 1/4। तो टोटल गुडविल हो गई आपकी 25,000। मतलब सी को अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म में जो ए और बी ने बनाई है पार्टनरशिप फर्म, ये दो पार्टनर हैं, सी का शेयर 1/4 है, मेरी टोटल गुडविल 1 लाख रुपए है, तो सी अगर को गुड फर्म का पार्ट बनना है तो उसको 1/4 शेयर ऑफ गुडविल लाना ही पड़ेगा, मतलब 25,000। अब हुआ क्या, सी ने कहा मेरे पास 25,000 रुपये नहीं है। मैंने कहा तेरे को लाने पड़ेंगे भाई 25,000 रुपये। सी ने कहा भाई मेरा जेब खाली है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार अब तो क्या करूं, एक काम कर, कुछ तो ला। सी ने कहा चल एक काम करता हूं कि मैं तेरे को 5,000 रुपये, वरी मैं तेरे को 20,000 रुपये दे सकता हूं। मतलब सी 20,000 रुपये तो ले आया, 20,000 रुपये कैश ले आया और 5,000 रुपये अभी भी ड्यू हैं। मतलब मैं हूँ बिजनेस, मुझे सी से 25,000 रुपये गुडविल के लिए लेने हैं 1,00,000 / 4, पर उसने 20,000 ही लाया। तो यहाँ पे वो कैश कितना लाया, 20,000, और 5,000 रुपये वो नहीं लाया। इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, जो वो गुडविल कैश में ले आया तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूँगा। कितने में डेबिट करूँगा, 20,000। कितना कैश लाया, सर 20,000। कितना कैश लाया, 20,000 लाया। और वो गुडविल 5,000 लाया नहीं लाया, नहीं लाया। टोटल गुडविल कितनी लेनी है मुझे, सर टोटल जो गुडविल होनी चाहिए, जो मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देख लेना, टोटल गुडविल होनी चाहिए थी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, पर उस 25,000 में से ए सिर्फ 20,000 रुपये लाया, सी सिर्फ 20,000 रुपये लाया। भाई 25 लानी थी तो 5 नहीं लाया। तो मैं ना बिजनेस मैं हूँ पार्टनरशिप, और मैं सी को डेबिट कर दूंगा। मैंने कहा तू आज नहीं तो कल लाएगा। किसी को डेबिट करने का मतलब क्या है कि मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो मैंने पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, सी को डेबिट कर दिया। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सी कैपिटल अकाउंट नहीं करके मैं सी करंट अकाउंट करूँगा। क्या करूँगा, करंट अकाउंट करूंगा 5,000। मतलब मैं सी से 5,000 रुपये फ्यूचर में लूंगा। सर ये करंट अकाउंट क्यों करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं करते? करंट अकाउंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कैपिटल को छेड़ना नहीं चाहते। सी बोला मत छेड़ो, मैं 2 दिन बाद 10 दिन बाद दे दूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरा करंट अकाउंट डेबिट करता हूं। तो सी कैपिटल अकाउंट, सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा 5,000 रुपये, जो वो गुडविल नहीं लाया। तो ये है अमाउंट ब्रॉट और ये है अमाउंट नॉट ब्रॉट, अमाउंट ब्रॉट और अमाउंट नॉट ब्रॉट। समझ में आया? तो जो लाया कैश डेबिट करूंगा, नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा। तो मैं आपको दो केस बता दिए, जब लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, नहीं लाया तो, अरे भाई बताया ना मैंने आपको, अगर लाएगा लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा और अगर नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा। ये बात प्लीज आप ध्यान रखना, क्लियर है? और यही मैंने यहाँ पे प्ले यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, गुडविल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नहीं लाया, अगर वो नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, सी करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इन दोनों का मिक्स भी कर सकते हो और उसके बाद नॉर्मल एंट्री, जितनी भी गुडविल होगी 25,000 रुपये, वो ए और बी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन द रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो, क्लियर है? उसके बाद सेम एंट्री है, गुडविल तो उसको लानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3।
सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. बहुत जरूरी है, ये क्या मतलब हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में काम आएगा. सी ब्रिंग 3 लाख कैपिटल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज, बट सी ब्रिंग ओनली 17,000 गुडविल ओनली फॉर इस शेयर. लेटर ए विड्रॉ 20% ऑफ द गुडविल. सुनो, सबसे पहले तो मैं कैपिटल की एंट्री करूंगा. जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो मैं एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल. वो तो आप आंख बंद करके एंट्री कर लो. कितनी एंट्री होगी सर? 3 लाख रुपए. 3 लाख रुपए लाया ना? हाँ सर, 3 लाख रुपए लाया. 3 लाख रुपए लाया, हाँ सर आया. ओके, पहले यह एंट्री हो जाएगी. दूसरी एंट्री क्या होगी? वो बोलता है कि वो गुडविल लाया. कितनी गुडविल लाया सर? टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? सर टोटल जो फर्म की जो गुडविल कितनी है टोटल फर्म की? अरे भाई बताओ, 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए. सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर 1/5 है. तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? सर सी का शेयर है 1 लाख रुपए इंटू 1/5 इक्वल टू 20,000 रुपए. सी का जो शेयर है वो है 20,000 रुपए. टोटल गुडविल 1 लाख की, 1 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उसका शेयर कितना निकलता है? 20,000 रुपए. उस 20,000 में से भाई साहब गुडविल कितनी लाया? वो बोलता है कि मैं तो 17,000 ही लाया. कितनी लाया? मैं तो 17,000 ही लाया. कितना लाया? 17,000. ओके, और 3,000 रुपये नहीं लाया, वो कैश में लाया. तो जो वो कैश में लाया, गुडविल जो कैश में लाया, उसको मैं कैश में डेबिट करूंगा. कितनी गुडविल लाया? कैश अकाउंट डेबिट 17,000. कितनी गुडविल नहीं लाया? 20 मंगाई थी, 17 दे दी, 3 नहीं लाया. तो 3,000 रुपये मैं क्या करूंगा? सी करंट अकाउंट. नेवर एवर डू सी कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना? क्या आप फिक्स फॉलो करते हो? फ्लक्चुएटिंग आप करंट अकाउंट ही करोगे. टू क्या करेंगे? हमेशा हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए. क्लियर है? तो यहां पे आपका टोटल वो 20,000 रुपए लाया. ओके, तो जो लाया वो कैश, जो नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट. उसके बाद नॉर्मल एंट्री जो मैं आपको बता चुका हूं. जब भी कोई गुडविल लाता है तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो मैंने आपको बताया था ये एंट्री भाई भाई एंट्री है, टॉम एंड जेरी एंट्री. अगर ये टॉम है तो ये जेरी है, ये एंट्री होनी चाहिए. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करूंगा. जितना गुडविल लाया उतना नहीं, जितना उसका शेयर है 20,000 रुपए, और उन पार्टनर को दूंगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है. ओके, तो कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बताओ? कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? सुनो, ए मैं नया रेशियो निकाल रहा हूं. चलो मैं यहां निकालता हूं, नया रेशियो मैं यहां निकालता हूं. चलो मुझे बताओ कितने पार्टनर है? ए बी और सी. ओल्ड रेशियो क्या है? 5/3. तो 5/8, 3/8 न्यू. अब आप ये मत बोलना सर ये निकालना नहीं आता, इतने आपको मैंने वो करवा दिए. आप देखो ना, नीचे प्लेलिस्ट है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो. पर नहीं, आप नहीं करोगे, चलो आपकी मर्जी है. 5 वो बोलता है कि सी का शेयर कितना है? 1/5. सी का शेयर कितना है सर? 1/5 लिखा हुआ है. विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. उन्होंने ए और बी से इक्वली लिया. अच्छा, ए और विच ही टेक इक्वली मतलब 1/5 का एक आधा उसने ए से लिया और 1/5 का एक आधा उसने बी से लिया. आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आने वाला है. मुझे पता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मुझे पता है, क्योंकि लॉजिक पता है, मैं भी आपको बताऊंगा. तो देखो, 1/2 इसका उसने बोला है कि विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब 1/5 का आधा इससे लिया, आधा इससे लिया, दोनों से माइनस किया. तो नया रेशियो निकालो. मुझे तो सिर्फ नया रेशियो निकालने से मतलब है -1/10 इज इक्वल टू 80 कॉमन ले लूं. चलो 80, तो 10 50 -8 42/80. और इसका क्या है? 80 कॉमन ले लिया, 80 10 30 30 -8 इज इक्वल टू 22/80. और इसका 1/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे 80 आ जाए? तो 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? अरे यार, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है सर? 16. अगर 16 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका भी 16/80 आ जाएगा. हाँ, तो रेशियो के भाई मुझे डिनोमिनेटर सबका सेम चाहिए ना. तो भैया क्या हो गया?
अरे तो 42, 22 और 16 और कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ 21, 11 और 8। एक बार चेक करो, 42 प्लस 22 प्लस 16 कितने होते हैं? 60, 70, 80 होते हैं। हाँ ठीक है, तो 21, 11 और 8 आपका नया रेशियो आ गया। क्या आ गया आपका? न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ये ए का है, बी का है, सी का नया रेशियो है। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ओल्ड रेशियो, 5/8, 5/3, 5 × 3 = 5/8। नया रेशियो क्या है ए का? 21/40, 20, 30 और 40। तो आप निकालो, 40 कॉमन निकालो, 8 × 5 = 25 − 21, 4/40। ये ए का निकल गया। बी का निकालो, सर बी का है ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8 − नया रेशियो क्या है? 11/40। देखो 40 कॉमन 5, 15 − 11 = 4/40 = आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला आपका ए और बी का निकला 4/40 = 4/40। इसका मतलब है 4/4 = 1/1। 4 कॉमन ले लिया, मैंने आपको कहा था ना 1/1 ही आएगा। सर आपको इतनी कैलकुलेशन पहले से कैसे पता? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में शॉर्टकट लिखा हुआ है, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दोनों से इक्वली लिया, ए से भी इक्वली लिया, बी से भी इक्वली लिया। तब हम आंसर क्या करेंगे? 1/1 करेंगे। क्लियर है? समझ में आया। तो 1/ ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/1 हो गया। मतलब ये मैं ए को टू बी कैपिटल, ए कैपिटल को दूंगा टू बी कैपिटल को दूंगा, इक्वली दूंगा। सर 10,000 रुपये और 10,000 रुपये 20,000 को डिवाइड करूंगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1:1 क्योंकि मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, हिंट दिया हुआ है। टोटल गुडविल हो गया, ओके। लेटर ए विड्रॉन 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी ने 20% रिटेन किया, इसका मतलब है 80% विड्रॉ कर लिया। मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, ए और बी ने बोला 20% हम अपने बिजनेस में रखते हैं, तो मतलब 80% लेके चले गए ना, 80% लेके चले गए। तो एक और एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी? एक और एंट्री पास होगी, एक एक ए 80% अपनी गुडविल लेके चला गया। सर क्वेश्चन में तो 20 लिखा हुआ है, नहीं 20 लिखा हुआ है रिटेन, इसका मतलब है 80 ले गया, उल्टा लिखा हुआ है। तो 10,000 का 80% कितना होता है? 8,000। इसका कितना होता है? 8,000। तो टोटल कितना ले गया? सर 16,000 रुपये गुडविल चला गया। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। क्लियर है? तो फटाफट बता रहा हूँ, पहले आप एंट्री करोगे कैपिटल की, उसके बाद आप एंट्री करोगे गुडविल की। गुडविल लाया वेल एंड गुड, नहीं लाया तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेवर डू फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, टॉम एंड जेरी एंट्री, डेबिट 20,000। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, आपने यहाँ कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने विड्रॉ किया, क्वेश्चन में अलग पॉइंट लिखा हुआ है, तो उन्होंने विड्रॉ किया ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश। 80% क्यों किया? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा 20% रिटेन किया, मतलब 80% विड्रॉ करके चले गए। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? लेक्चर लाइक कर लो अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर लो, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन से जो आपको लगे वो कर लो, मैं उसके लिए तैयार हूं। बिकॉज आपको पता है लेक्चर लाइक करते तो यूट्यूब ज्यादा लोगों को दिखाता है, सो दैट्स द हाउ एल्गो वर्क्स। सो आपको अच्छा लगा तो लाइक प्लीज करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं सारे वीडियोस आने वाला 12th की, अगर एक भी वीडियो मिस हुआ तो आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड यस, आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन करो, क्लास 12th का ग्रुप ज्वाइन करो, क्लास 11th 12th का जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करो, सब लिखा हुआ है, मैं वहां पे नोट शेयर करता हूं। एंड मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पे मेरा 100% प्री रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का। 800-900 क्वेश्चन क्लास 12th के मैंने सॉल्व करवाए हैं, 240 आवर्स का कोर्स है, हजारों बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए बोर्ड्स के अंदर सिर्फ वो लेक्चर्स देख के ही, कोई और कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप मेरे अकाउंट ऐप तो आप देख ही लेना, अगर आपको वहां पे डेमो मिल जाएगा वहां पे सब देख लेना। एंड जस्ट कमेंट करके जरूर बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। चलो थैंक यू वेरी मच, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि जब पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल होगी तब हम क्या करेंगे, हम वो वाला केस भी करते हैं। ओके चलो, टिल देन हैव वेरी नाइस डे, टेक केयर।